कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें कार्य करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश में कि लोकतंत्र में जनता ने तो सरकारें चुनी हैं, लेकिन जो केंद्र की सरकार जनता ने चुनी है वह सरकार जनता के लिए नहीं है। क्योंकि केंद्र की सरकार अपने चंद पूंजीपति मित्रों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे ये उसके लिए कार्य करती है। आज जनता पूरी तरह महंगाई के नाम पे त्रस्त है, जनता के थाली से निवाला छीना जा रहा है। आज आटा, चावल, दूध, बच्चों को पीने वाला दूध महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज देखें टमाटर, सेब के भाव बिक रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। केंद्र सरकार को अगर चिंता है तो वो चिंता है कि कैसे हम गैर भाजपाई शासित राज्यों में सरकार को गिराने का प्रयास करें, चाहे उसके लिए हमें ईडी लगाना पड़े, उसके लिए हमें अन्य संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना पड़े, उसके लिए हमें विधायकों को खरीद फरोख्त करना पड़े, वो कर लेंगे, लेकिन महंगाई पर अंकुश लगाने का कोई ब्लूप्रिंट, कोई रणनीति केंद्र सरकार के पास नहीं है। और ये दुखद बात है, क्योंकि केंद्र सरकार सिर्फ सामाजिक ताने बाने को छिन्न करने का प्रयास कर रही है, लगातार देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को षड्यंत्र तंत्र में बदलने का काम कर रही है, लेकिन महंगाई पे अंकुश लगाने का ना तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, ना तो माननीय वित्त मंत्री जी का कोई ध्यान है। और हमें लगता है कि यह बहुत ही दुखद बात है।